सीताराम जय सीताराम राधे श्याम सीताराम जय की जय बोलो
हरे हरे बोलो हरे हरे बरात इनकी हरे हरे बोलो हरे हरे बरात इनकी जय 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 बोलो बरात इनकी जय 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 बोलो लाल लाल भांजे की जय 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 बोलो बोलो ललका बबुआ की जय जय प्यारे लाल लाल हनुमत की जय 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 प्यारे लाल लाल जय जय राम सिया राम भजो राम सिया राम जय जय राम सिया राम भजो राम सिया राम श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की श्री सीताराम विवाह महोत्सव की मिथिलानिया रघुनंदन में एक कसर बताया करती है कहे कि ठीक है थी इसलिए कह रहे हैं कि वो कसर अब दूर हो रही है। वो कसर क्या एक दिन निवेदन भी किया था बापू चरण श्री मुरारी बापू इस पद को याद आता है तो कहते हैं मामा वो जरूर कहो कौन बोले दुल्हा थोड़ा सा काला। मिथिलानिया कहती कि सब भांति मनोहर सिया का पिया सब तरह से मनोहर है सब भांति मनोहर पियसी का लगता बड़े नाजों से पाला है किंतु कुछ कसर अगर तो बस इतनी दुल्हा थोड़ा सा काला है। इस कसर को दूर करने के लिए मिथिलानियों ने आश्वासन दिया है दुल्हा को आप कुछ दिन मिथिला में रह जाइए तो आपका यह कालापन दूर हो जाएगा आप गोरे हो जाएंगे। ए पहुना अब मिथिले में रहूना ए पहुना अब मिथिले में रहूना ए पहुना अब मिथिले में रहूना क्योंकि जो आनंद विदेह नगर में जो आनंद विदेह नगर में ये विदेह नगर है ना तो जो आनंद विदेह नगर में जो आनंद विदेह नगर में कहूना हे कहूना देह नगर में करुणा अब मिथिले में रहूना अब मिथिले में रहूना रोज सवेरे उबटन मलिमल इत्र से नहलाइब रोज इतना चमत्कारी होगा एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाई भी। एक महीना के झूठ कहतना पानी तन को झूठ कहतना पानी तन
तन को झूठ नौका एक दहुना हे कहुना नौका एक दहुना हे कहुना अरुण तिले हे कहुना वो कालापन दूर हो गया, वो कसर पूरी हो गई। कब? जब विवाह की और सारी विधियां संपन्न होने के पश्चात जब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि अब वर और दुल्हन दोनों को एक आसन पर बिठाया जाए। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन पर दुल्हन बैठे एक आसन बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन पर दुल्हन बैठे एक आसन। बस एक महीना की कौन कहे, एक हफ्ता की कौन कहे, एक घंटा की कौन के, एक मिनट भी नहीं लगा जी। हल्ला मचा चारों ओर, बुलबुल 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 आपस में लोग करने लगे, क्या किस बात का हल्ला? कहा कि एक परिवर्तन हो गया। क्या कहा? कि सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, सखी कैसन अंगना में शोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज मंडप में अचरज अथोर भइले, आज माड़वा में अचरज अथोर भइले, आश्चर्यजनक घटना घटी। बोले क्या? कहा कि पहुना के परछाई से, पहुना के परछाई से सियाजी भैली सांवरी, पहुना के परछाई से सियाजी भैली सांवरी, पहुना के परछाई से सियाजी भैली सांवरी, पहुना के पहुना अब तो गोर भइले, इसके छाया परत पहुना अब तो गोर भइले, इसके छाया परत पहुना अब तो गोर भइले, इसके छाया परत पहुना अब तो गोर भइले, सखी देखा कैसन अंगना में शोर भइले, दुल्हा दुल्हन दिखाई पड़ते हैं। कहीं दुल्हा गोरे तो दुल्हन सांवरी, कहीं दुल्हन गोरी तो दुल्हा सांवरे, लेकिन आगे भी जो गोरे रहते हैं गोरे ही रहते हैं, जो सांवरे रहते हैं सांवरे ही रह जाते हैं। लेकिन यहां क्या चमत्कार हुआ? ऐसा अदला बदली कतहु देखली ना सुनली, ऐसा अदला बदली कतहु देखली ना सुनली, ऐसी अदला बदली हमने तो कहीं देखी नहीं न कहीं सुनी। कैसी? जैसन
आज के परिवर्तन घन घोर भैया, आज के परिवर्तन घन घोर भैया, जैसन आज के परिवर्तन घन घोर भैया, आज के परिवर्तन घन घोर भैया, सिर के छाया पर पहुना अब तो गोर भैया, आप लोग ऐसा न समझेंगे कि ये हमारी मनगढ़ंत कल्पना है। वो स्वामी श्री तुलसीदास जी का गाया हुआ पद है, शोभित सीता राम कनक मंडप तरे, शोभित वर्ण दुल्हा का तो सबको मालूम है ही,
नील सरोर नील मणि नील नीरधर श्याम, अथवा उतर नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम, अथवा केकी कंठाव नीलम, सब प्रमाण बहुत है। तो दुल्हा जी आसमानी रंग के, नीले रंग के, दुल्हन रंग पियरी, दुल्हन के रंग का प्रमाण आप अगर चाहें तो वो स्वामी जी की कलम से बरबे बरबे रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि चंपक हरवा श्री सियाजी को स्वर्ण चंपा, पीली पीली चंपा, चंपा का फूल पीले रंग का, स्वर्ण चंपा जिसको बोलते हैं, बोले कि चंपा के फूलों का हार बना करके जब श्री किशोरी जी के श्री अंग पर धारण करा दिया जाता है तो जब तक कुछ देर के बाद कुमला करके उन चंपा के पुष्पों में थोड़ी श्यामता नहीं आ जाए तब तक पता नहीं चलता है कि हार भी पहराया गया है। ये वर्ण सादृश्य वाली बात है। बरवे रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जान परे सुहिरे जब कुमलाय। इससे चंपा के वर्ण की श्री किशोरी जी के श्री अंग का रंग है ये स्पष्ट हुआ। ये तो स्वाभाविक गोराई रही, और उसमें भी विवाह के समय में दुल्हा दुल्हन दोनों को हल्दी लगती है ना, तो हल्दी लगने से वो प्रतिमा और निखर पड़ी। तो अब दुल्हा जी के नील श्री विग्रह एवं श्री किशोरी जी के पीत वर्ण श्री विग्रह, ये दोनों हमारे आप जैसे नहीं है, इनके श्री विग्रह से कांति आभा प्रभा विभा छिटकती है। नील वर्ण दुल्हा दुल्हन के श्री अंग से नील वर्ण अंग कांति, और पीत वर्ण दुल्हा दुल्हन के श्री अंग से पीत वर्ण की अंग कांति। आप अपने घर में मिलाकर देख लेना, नीला रंग और पीला रंग मिला करके देख लेना कि कैसा रंग बनता है। धानी हरा रंग बन जाता है। तो कहा कि दुल्हा आसमानी रंग दुल्हन रंग पियरी, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, सिर के छाया परत करिया बाबू गोर भइले, छाया परत श्याम सुंदर गोर भइले, इस तरह का एक वर्णन आपको कविवर बिहारी लाल जी द्वारा प्रणीत बिहारी सतसई के मूल मंगलाचरण में शायद प्रथम दोहा है। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो, जातन की धाई परे तो श्याम हरित दूती हो। तो दुल्हा आसमानी रंग और दुल्हन रंग पियरी, दोनों मिलके हरियर हरियर चारों ओर भइले, देखा कैसन नाम सोर भइले, सीके छाया परत पहुना अब तो गोर भइले, मैया सरस्वती जी के शुद्धि बुद्धि बिसरल मैया, सरस्वती
मैया सरस्वती जी के सुधि बुधि बिसरल मैया सरस्वती देखे वाला सब आनंद विभोर भइले देखे अंगना में सोर भइले आज मड़वा में अचरज अथोर भइले चलिए और लोगों दुल्हा दुल्हन में जो परिवर्तन हुआ सो हुआ, दर्शकों में परिवर्तन आ गया क्या? बोले कि रूखा सूखा हृदय, अब तक भले कोई छिटपुट रह गए हो, अहम ब्रह्मास्मि वाले लोग, मैं ही ब्रह्म हूं, हमसे अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन वो लोग आज ये मानने को तैयार है कि इनके आगे हम कुछ भी नहीं है। रूखा सूखा हृदय आज के करो ना लहू के, रूखा सूखा रूखा सूखा हृदय आज के करो ना लहू के, रूखा सब कर मन में प्रेम रस में शराब और भइल, सब कर मन में प्रेम रस में शराब और भइल, सिय के छाया परत पहुना अब तो गोर भइल, लोगों में और भी परिवर्तन हुआ क्या? दर्शक अब तक मनुष्य जैसे लगते थे, लेकिन आज बोले कि केहू टुकुर टुकुर ताके, केहू ठुमुक ठुमुक नाचे, केहू टुकुर टुकुर ताके, केहू टुकुर टुकुर ताके, केहू ठुमुक ठुमुक नाचे, केहू टुकुर टुकुर ताके, ताके मने अपलक दृष्टि से निहारना, निर्निमेष नेत्र से निरखना, केहू टुकुर टुकुर ताके, केहू ठुमुक ठुमुक नाचे, टुकुर टुकुर ताकने वाले कैसे लगते हैं, ठुमुक ठुमुक नाचने वाले कैसे लग रहे हैं? मानो कोई तो चकोर कोई मोर भई है, मानो कोई तो दर्शक कोई तो चकोर कोई मोर भइल है, दर्शक कोई तो चकोर कोई मोर भइल है, सखी देखा कैसन अंगना में सोर भइल है, एक बात और पहुना की पहुना के स्वभाव में भी फर्क पड़ गया, पहुना के क्रियाकलाप में भी फर्क पड़ गया, रंगई में नहीं उनके क्रियाकलाप में फर्क पड़ गया क्या? बोले बेटा हवन चारो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, बेटा हवन चारो राजा के बेटा को ईमानदार होना चाहिए ना, और उसमें भी चक्रवर्ती राजा का बेटा हो तो क्या कहना, कोई चोर डाकू किसी की कोई वस्तु चुरा न ले जाए छीन न ले जाए, ये सुरक्षा की जिम्मेवारी रखनी पड़ती है, राजा की जिम्मेवारी है, करना तो ये चाहिए, लेकिन पवना ने यहां आके धंधा क्या उठा दिया, बोले कि बेटा हवन चारो चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के, लेकिन अब कर क्या रहे हैं, अत सब कर मनवा के चोरा के पहुना चोर भई, सब कर मनवा के चोरा के पहुना चोर भई, सब कर मनवा के चोरा के पहुना चोर भई,
ले सब आज मंडप में अचरज अठोर भईले बहुना के देख कहे नारायण नेह निधि बहुना के देख कहे नारायण नेह निधि सबके हियरा में सबके हियरा में अजब अजोर भईले YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें धन्यवाद। बजावती हो बिछुआ धीरे धीरे सुमावती हो लल्ला धीरे धीरे प्रेम सहित सेक सेक कपोल प्रेम सहित रिझावती हो पहुना धीरे धीरे चुमावती हो ललना धीरे धीरे श्री चारों जुगल जोड़ श्रृंगार की वृंदार कागन सुमन बरसे देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मांडवी वल्लभ लाल की श्री उर्मिला वल्लभ लाल की श्री सुकृति वल्लभ लाल की वृंदार कागन सुमन बरसे राव जनवासे चले दुंदुभी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। इसके बाद अब क्या तब सखी मंगल गान करती मुनीस आयस पाई के तब सखी दुलहिन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के कोहबर। पश्चिम के लोग पूछते हैं कि महाराज ये कोहबर क्या चीज है। राजस्थान के हरियाणा के पंजाब के गुजरात के लोग कहते हैं कि कोहबर क्या चीज है। मानस में लिखा है कोहबर ही आने कुवर कुवरी। ये कोहबर क्या चीज है होता सब जगह है। क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कोहबर उस कमरे को उस कोठरी को उस घर को कहते हैं जिस घर में माताओं ने अपने हाथों से कुल देवता का चित्र अंकित करके रखा है और वहां दुल्हा दुल्हन को ले जाती हैं और इनसे पूजन प्रणाम कराती हैं और कुछ मधुर खिलाती हैं और दुल्हा से कुछ हास परिहास करती हैं। उस घर को कहीं कहीं थापा घर
कहीं कहीं देवी घर, कहीं देवता घर, कहीं घिया भाती, कहीं दूधा भाती, कहीं हास आवास। अब यहाँ कई भाषा भाषी बैठे हैं, अपने अपने क्षेत्र की भाषा के अनुसार समझ गए होंगे। मिथिला में उस घर का नाम है कोहबर। अब कोहबर नाम क्यों पड़ा, इसकी व्याख्या श्री करह वाले बाबा सरकार सिद्ध पुरुष कहते हैं कि इस नाम से ही स्पष्ट है इसका अर्थ। बोले कैसे, बोले कोहबर। इनमें दोनों में को है वर, दोनों में श्रेष्ठ कौन है, राम जी श्रेष्ठ है कि सिया जी श्रेष्ठ है, इसका फैसला जहां होता हो। को है वर इन दोनों में सीता या श्री राम, या को निर्णय हो जहां सो घर को वर नाम। सखियां कहती है कि हमारी सियाजी वर है श्रेष्ठ। वर मने दूल्हा भी होता है और वर मने श्रेष्ठ भी होता है। द्विज वर मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ, द्विजों में श्रेष्ठ। ऐसे ही इन दोनों में वर कौन है, सखियां कहती हैं कि हमारी सियाजी श्रेष्ठ है। रघुनंदन कहते हैं कि रघुनंदन के सखा स्नेही भाई लोग कहते हैं कि हमारे भैया श्रेष्ठ है, वर श्रेष्ठ है। बोले कैसे, साबित करना पड़ेगा। बोले साबित करेंगे। बोले रघुनंदन विरोध वश विदेह जासो, कि दंपत में वर कौन कन्या कहो कौन है, हम दोनों में वर कौन और कन्या कौन। बोले रघुनंदन विनोद वश विदेह जासो, दंपत में वर कौन कन्या कहो कौन है। तो बोली वैदेही निर्विवाद, वर आप प्रभु, आप वर है मैं कन्या हूं। बोली वैदेही निर्विवाद, वर आप प्रभु। तो बोले भैंस के तब करुणा के भवन है। बोले कि मैं वर हूं आप कन्या है। बोले हां, इसमें कोई दो मत तो नहीं। बोले बिल्कुल दो मत नहीं। तो कहा कि अब वर का अर्थ और बता दीजिए। वर का अर्थ बोली कि श्रेष्ठ। रघुवर बोले कि वर का अर्थ श्रेष्ठ, तब तो श्रेष्ठ है राघवी, जब वर मैं हूं और वर का अर्थ श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मैं हुआ। फिर तो आपकी सखियां झूठे ही बोल रही है ना आपको श्रेष्ठ बता करके। श्री किशोरी जी ने कहा कि जब विनोद पर उतारू हुए हैं तो मैं अपनी सखियों को झूठी क्यों साबित होने दूं। कहा कि नहीं प्रभु, हमारी सखियां झूठ कभी बोलती नहीं है। तो कहा कि तो जब वर का अर्थ श्रेष्ठ, तब तो श्रेष्ठ भय राघव ही। बोली भय दे ही रहे फिर भी आप गौण है। बोले अब कैसे, जब वर मैं हूं और वर का अर्थ श्रेष्ठ होता है तो श्रेष्ठ मैं साबित हुआ। अब आपकी सखियां आपको श्रेष्ठ बता करके और सत्य कैसे बोलती हैं, मैं गौण कैसे पड़ गया। श्री किशोरी जी ने कहा कि थोड़ा विचार करिए, वर का अर्थ श्रेष्ठ, तब तो श्रेष्ठ भय राघव ही। बोली बैदे ही रहे फिर भी आप गौण है, क्योंकि ये वर की उपाधि मिली मिथिला में मैथिली से। ये वर की डिग्री मिली मिथिला में मैथिली से। अब तो नारायण हारे प्रभु धारे हसी मौन। कहा कि जब तक आप अयोध्या में थे तब तक किसी ने आपको वर कहा था क्या, बताइए।
शांति देवी ने आपको वर कहा था कि सरजू देवी ने आपको वर कहा था? आज भी व्यक्ति वही है, कितना भी सुंदर हो, सुडौल हो, नौजवान हो, विद्वान हो, बड़े ओहदे पर बैठा हो, बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के, लेकिन वर की पदवी तब तक नहीं होती है जब तक किसी कन्या के साथ उसके विवाह संबंध की चर्चा न चले। तो वर की डिग्री देने वाली कन्या और वर की डिग्री लेने वाला वर, ये वर की डिग्री आपको मिथिला के कन्वोकेशन में मिली है, तो वर की डिग्री लेने वाला बैचलर श्रेष्ठ या वर की डिग्री देने वाला चांसलर श्रेष्ठ? चांसलर ही भाई, चांसलर भाई, चांसलर यही लोग तो देते हैं ना डिग्री। तो बोले कि वर की डिग्री देने वाला श्रेष्ठ माना जाता है, लेने वाला तो उसका वैसे भी देने वाला श्रेष्ठ ही होता है, लेने वाला। इसमें श्री काष्ठ जीवा देवतीर्थ स्वामी जी, तत्कालीन काशी नरेश के राजगुरु जी, उन्होंने लिखा है, सियाजू की सर कर सकत न राम, सर मने बराबरी, सियाजू की सर कर सकत न राम, यहां को न्याव करें बेलागी, यहां न हटको काम, जनक देवैया राम लेवैया, बोलो काको ऊंचो धाम। सियाजी की सर कर सकत न राम, इस प्रकार के विनोद कोहबर में सखियां करती हैं, इसीलिए उस घर का नाम है कोहवर। बलिहारी जब कोहबर के दरवाजे की ओर दुल्हा दुल्हन को लेकर के बढ़ी, उस समय दुल्हा जी के चरणों में लाल लाल महावर भरी गई है, अरुण वर्ण चरण, और उसके ऊपर केसरिया पीला पीला कोरदार जरी का कोरदार पीतांबर, और सोने की चरण पादुका जिसकी खूंटी में रत्न जड़े हुए हैं। इस भाव का एक गीत मेरे बक्सर वाले गुरुदेव की अपनी रचना है। श्री रूप कला जी के आग्रह पर एक गीत सुनाया था, बाबा के दुलारी बेटी जानकी बेटी है, अंबा देली डलवा बिनाए कि जाओ जाओ बेटी फुलवा लोढ़े है। श्री रूप कला जी भी भोर हो गए पद सुनकर, ए बाबा यही तरह के एगो औरी पद सुनाई। तो बाबा ने तत्काल रच के सुनाया, दुल्हा जी सोने की चरण पादुका पहर करके कोहबर घर की ओर चल रहे हैं, कैसे लगते हैं? बोले रतन जड़ा के कील लाज ले, रतन जड़ा की खूंटी लाग लिए, तो महाराज जी कहते कि बीरा मत कहो, क्यों? बीरा बड़ा होता है और एक तरफ रखेंगे तो गाल फूल जाएगा, बीरी कहो, छोटी बीरी।
नैन कजरवा मुहावा पान के तीरिए बिकाई गई अब
कलशवा जाई है सखिया श्री गोबर बिहारी यारी जू की। धीरे धीरे गोबर के दरवाजे तक पहुंचे, अभी तक प्रवेश करना चाह रहे हैं, तब तक एक ने आकर रास्ता रोक लिया, ठहरिए। अच्छा, आप ही लोग न्योता देकर लाई है कि चलिए, और अब आप ही कहती है कि ठहरिए। बोले हाँ। क्यों? कहा कि एक रस्म है यहाँ की। क्या? बोले द्वार की छिटाई, द्वार की छिटाई पहले नेग तो चुकाओ, दुल्हा पीछे अंदर जाओ। द्वार की छिटाई नेग तो चुकाओ, दुल्हा पीछे अंदर जाओ। द्वार की छिटाई पहले नेग तो चुकाओ, दुल्हा पीछे अंदर जाओ। एक रस्म है यहाँ की। हो सकता है हमारी इस क्रिया में, हमारे इन वचनों में आपको कुछ ढिठाई सी लग रही हो, लेकिन इस ढिठाई को क्षमा करना पड़ेगा। राघव जी को बड़ी बिहारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। काकी ढिठाई भी कर रही है और कह रही है ढिठाई माफ कीजिए हमारी। माफी मांगने की नौबत न आवे, ढिठाई कर ही क्यों रही है? कहा कि हमें अधिकार है ढिठाई करने का। इस नाते बोले हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां, कोई सरहद कोई सारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहद कोई राघव जी को बर बिहारी, मिठाई माफ कीजे हमारी। द्वार की छिकाइयां नेक कुछ लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे, द्वार की जल्दी से दीजे निकारी, मिठाई माफ कीजे हमारी। यह द्वार की छिकाई कुछ नेक चुका के तब अंदर जाने की विधि है। कुछ निकालिए, जेब गर्म हो तो निकालिए, कुछ नेक चुकाइए, फिर जाइए अंदर। रघुनंदन बोले कि जब तक मंडप में पिताजी, ताऊ जी, चाचा जी, मंत्री जी, खजांची जी सब बैठे रहे, तब तक आप लोगों ने कुछ बताया ही नहीं। जब वे लोग जनवास से चले गए तो मुझ ठन ठन पाल गोपाल से आप लोग कहती कि नेक दीजिए। सखियों ने कहा कि ऐसे मौके के लिए दुल्हे की मां चलते समय कुछ जेब में धर देती है कि जब कोहबर में जाने लगोगे तो अकेले रहोगे, कोई मददगार खजांची और मंत्री और बाबूजी और भैया जी नहीं रहेंगे, सखियां द्वार से रोकेंगी तो निकालना दे देना, आपकी मैया ने जरूर कुछ दिया होगा। तो राम जी बोले कि नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। बन के कमंडल धारी,
माधव जी को बर बिहारी मिठाई माफ कीजे हमारी। हम घर से दुलार बन के तो चले नहीं थे जब मैया ने जेब में रख दिया। हम तो गुरु जी के चेला के हैसियत से बाबा जी का कमंडल ढोते बाल ब्रह्मचारी रूप में चले थे। हमारी मैया ने कुछ दिया नहीं था, ठीक वहां से नहीं लाए तो यहां से प्रबंध हो जाएगा। बोले कर दीजिए। कहा कि ऐसे मुफ्त में कर देंगे, थोड़े कुछ कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। बोले क्या गिरवी रखवाइएगा? कहा कि कर दे प्रबंध, कुछ गिरवी आप रख दे, कर दे प्रबंध, कर दे प्रबंध, कुछ गिरवी आप रख दे, कर दे। क्या गिरवी रखवाइएगा? सखियां बोली कि बेचू बहन तारी बिठाई माफ कीजे हमारी। बेचू बहन महतारी मिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी को बर बिहारी मिठाई माफ कीजे हमारी। माँ अथवा बहन, इन दोनों में से किसी को गिरवी रख दीजिए हमारे यहाँ। राम जी मुस्कुराए, बोले कि हमसे पहले भी किसी दुल्हा ने कोबर प्रवेश के लिए अपनी माँ अथवा बहन को गिरवी रखा था क्या? बोले नहीं, इसलिए कि वो लोग तैयार होके आते थे और अब ठन ठन पाल गोपाल बन के आए तो औरों के सामने ही समस्या ही अभी तक नहीं आई। तो राम जी बोले कि तो जब अभी तक किसी दुल्हा ने मां बहन को गिरवी नहीं रखा है तो मैं भी नहीं रखूंगा, क्योंकि इस घटना का इतिहास बनेगा और हो सकता है फिर आगे वाले दुल्हा लोग भी खतरे में पड़ जाए। हाँ, सबसे मां और बहन को गिरवी रखवाने लग जाएंगे हर ससुराल वाले, तो आगे वाले दुल्हों को खतरे में नहीं डालूंगा। और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। सखी ने कहा कि एक बहुत सरल उपाय है, एक पैसे का खर्च नहीं होगा, पाई पाई बच जाएगा। बोले हाँ बताइए। तो कहा कि अथवा सिया के पद शीश झुका लो, अथवा सिया के पद मस्तक झुका लो, अथवा बन के प्रेम पुजारी मिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी बोले हम ये भी समझ रहे हैं, सिया जी के चरण में हम मत्था टेकेंगे, हम तो सिया के पद शीश झुकावे, हम तो तुम सब बजाओ कर तारी मिठाई माफ कीजे हमारी। हम मस्तक झुकाएंगे और आप लोग ताली बजा के हमारी हंसी उड़ाइएगा, और फोटोग्राफर और बुलवा रखा है। अगर कहीं सिया जी के चरणों पर मस्तक झुकाते हुए इनने कई फोटोग्राफी ले ली, अब सब जगह प्रचार करेंगे कि देखो ये कैसे दुल्हा, ताकि ब्याह के दिन से ही दुल्हन को दंडवत करना शुरू कर दिया। ये भी संभव नहीं है। और कोई उपाय हो तो बताइए। तो कहा कि एक उपाय और, वो क्या जो भोला बाबा ने किया था? भोला बाबा ने भी कुछ किया था? बोले हाँ। बोले उनका भी रास्ता रोका गया था, तो वो कैसे गए? बोले कि करके विवाह बोला को बरगर में जाए, धीरे धीरे मुस्कुराए।
आपकी मैया ने कुछ दिया हो तो निकालिए, नेक चुकाइए, तब अंदर जाइए। तब तक एक सखी तब बोली मुस्काए, बाप धीरे धीरे इनके न बाप है न माँ है, तो कौन इनकी जेब में कुछ डाला होगा? और तो कोई जरूरी नहीं है इन्हें पैसे के रूप में चुकाया जाए, दूसरी तरह से चुकाएं। वो क्या तरीका? कहा कि सुनहु सदा शिव दुल्हा कहूं उपाय, कोबर घर में जाने नहीं हो यदि लागू गोरी पाए। धीरे धीरे मुस्काए, घर में जाने नहीं हो लागू गोरी पाए। धीरे धीरे करके विवाह बोला कोबर घर में जाए, धीरे धीरे YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।